आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन नियमों को जिनका पालन करना श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृ पक्ष में आवश्यक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं, उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि को स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृ पक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। उसी दिन से महालय अर्थात श्राद्ध का प्रारंभ भी होता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृ पक्ष पर श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, पितरों का पिंड दान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, भौतिक साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंड दान कर जल आदि प्रदान करके संतुष्ट करेंगे। इसी आशा से वह पितृ लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृ पक्ष श्राद्ध में अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, परंतु ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार पितृ पक्ष पर श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों को जिनका पालन करना इस पक्ष में आवश्यक है। पहला नियम है, श्राद्ध क्रम में गाय का दूध दही घी काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों, 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध क्रम में नहीं करना चाहिए। अगला नियम है, श्राद्ध क्रम में चांदी के बर्तनों का उपयोग राक्षसों का नाश करने के लिए भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दे दोगे तो वो अक्षय तृतीय का कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य पिंड और भोजन के लिए भी बर्तन चांदी के हों तो वह और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन को दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से पकड़कर लाए हुए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं, ऐसी मान्यता है। अगला नियम है, ब्राह्मणों को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तभी तक भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। अगला नियम है, जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंड दान पर साधारण व नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों तक नहीं पहुंचता। अगला नियम है, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध क्रम करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते बल्कि श्राप देकर लौट जाते हैं। अगला नियम है, श्राद्ध में जो कांगनी मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिचासों से श्राद्ध की रक्षा करती है। कुशा भी इसीलिए प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वन पर्वत पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया, अतः इन स्थानों पर आप श्राद्ध कर सकते हैं। अगला नियम है, पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए। अगला नियम है, जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन जमाई और भांजी को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता उसके यहाँ पितृ के साथ ही साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अगला नियम है, श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए और जो उसे भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। अगला नियम है, शुक्ल पक्ष में रात्रि में युग्म दिनों में, युग्म दिन का अर्थ होता है जब एक ही तिथि में दो दिनों का योग हो, तथा अपने जन्म दिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म युक्त के अनुसार सायकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निमृत है, अतः शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। अगला नियम है, श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र धुन विद्या आयु आरोग्य लोकी सुख मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं और श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष को श्रेष्ठ माना गया है। अगला नियम है, श्राद्ध में इन चीजों का होना अनिवार्य है, गंगा जल दूध शहद दोहित्री कुश व तिल केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निषेध है।
सोने चांदी कांसे तांबे के पात्र उत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में आप पत्तल का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर पितृलोक को जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। अगला नियम है रेशमी कंबल, ऊन लकड़ी तृण पण कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। अगला नियम है चना मसूर उड़द कुलथी सत्तू मूली काला जीरा कचनार खीरा काला उड़द काला नमक लौकी बड़ी सरसों काले सरसों की पत्ती और बासी अपूर्ण फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि श्राद्ध के भोजन में या श्राद्ध के समय इनका प्रयोग आप बिल्कुल ना करें अपने पितरों के तर्पण के लिए। अगला नियम है श्राद्ध के जो मुख्य अंग हैं, उनका भी ध्यान देना अनिवार्य है। मुख्य अंग इस प्रकार हैं। सबसे पहला अंग है तर्पण, जिसमें दूध तिल कुशा दूध गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने के लिए दिया जाता है और तर्पण का जो कार्य है वह नित्य करना चाहिए। अगला अंग है भोजन व पिंड दान। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंड दान भी किए जाते हैं। अगला अंग है वस्त्र दान। वस्त्र दान करना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। इसके बाद अगला अंग आता है दक्षिणा दान। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल नहीं मिलता। तो इन अंगों का आप ध्यान रखिए, तर्पण दैनिक करें। अगला नियम श्राद्ध पक्ष का है। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बिठाएं। अगला नियम है पितरों की पसंद का भोजन दूध दही घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। अगला नियम है जो भी भोजन आप तैयार करते हैं उसमें से गाय कुत्ते कौए देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ जल अक्षत यानी चावल चंदन फूल तथा तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। अगला नियम है कुत्ते और कौए के निमित्त आपने जो भोजन निकाला है वह भोजन आप कुत्ते और कौए को ही कराएं। किंतु देवता और चींटी का जो भोजन है वह आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी विधि से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े अन्न और दक्षिणा का दान करें। अगला नियम है ब्राह्मण को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने दोस्तों परिजनों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। तो दोस्तों ये थे वे नियम जिनका ध्यान रखना इस अवधि में आपके लिए अनिवार्य है। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।